हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर बीएन गौड़, एचओडी कॉमर्स, बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर। आज हम बात करेंगे, किसी स्टूडेंट ने ट्वेल्थ कॉमर्स से पास किया है, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने दो दिन पहले ही ट्वेल्थ कॉमर्स का रिजल्ट क्लियर कराया। अब स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ये डिसाइड करना है कि आगे ग्रेजुएशन में वो कौन सा कोर्स सेलेक्ट करे, यानी कि ट्वेल्थ कॉमर्स से यदि किसी स्टूडेंट ने पास किया है तो उसके सामने ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम ऑनर्स है, बीबीए है, बीकॉम पास कोर्स है और बीसीए है। अब स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे कि उसको बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए, बीकॉम पास कोर्स करना चाहिए या बीबीए करना चाहिए या फिर उसको बीसीए करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट को कैसे ग्रेजुएशन कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके लिए स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि यदि उसका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, यदि उसका जैसे अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है, तो मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगा उसके लिए फिर बीकॉम ऑनर्स ज़्यादा अच्छा कोर्स रहेगा, क्योंकि ऑनर्स का मीन्स होता है स्पेशलाइजेशन। आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम ऑनर्स EFM से कर सकते हैं, आपको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम ऑनर्स ABST से कर सकते हैं, आपको BST में इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम ऑनर्स BADM से कर सकते हैं। तो ऑनर्स का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। सेम इसी तरह से यदि स्टूडेंट को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों में इक्वल इंटरेस्ट है, तो फिर उसको करना चाहिए बीकॉम पास कोर्स। पास कोर्स में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का इक्वल वेटेज रहता है। यदि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता है और थ्योरी अच्छी लगती है, तो फिर मैं उसको बताना चाहूँगा फिर उसको BBA करना चाहिए, क्योंकि BBA जो है उसमें आपका थ्योरी पोर्शन ज़्यादा होता है और यदि उसको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लगता है तो फिर उसके लिए BBA ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से उसने यदि एडिशनल सब्जेक्ट में IP लिया है तो वो BCA भी कर सकता है, जिसमें काफ़ी जॉब ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से मैं एक और बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, ट्वेल्थ के बाद उसके सामने दो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एक तो है CA और दूसरा है CS। CA और CS को भी आप ट्वेल्थ के बाद ही चालू कर सकते हैं, और उसका कॉम्बिनेशन किस तरीके से डिसाइड आप कर सकते हैं। यदि आपको अकाउंटेंसी अच्छी लगती है, अकाउंटेंसी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप CA को BCOM के साथ कर सकते हैं, क्योंकि BCOM के ज़्यादातर पेपर जो है वो CA में आपको मैच कर पाएंगे, आपको ज़्यादा अच्छा कंफर्ट फील करेंगे। और आप यदि BBA ग्रेजुएशन का कोर्स डिसाइड कर रहे हैं तो आपको CS ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी में भी थ्योरी पोर्शन ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप ग्रेजुएशन कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम बार बार लेके आते रहेंगे। थैंक यू।